नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल सरकारी लोक पे। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी के तहत फॉरेस्ट गार्ड यानी कि वन दरोगा की भर्ती आ चुकी है, उसी के बारे में आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो चलो दोस्तों, वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जुड़ना चाहते हो ऐसी जानकारी पाने के लिए इस चैनल से तो सब्सक्राइब इसको कर दीजिएगा। जैसे इसको आप सब्सक्राइब करोगे, राइट साइड में घंटी का निशान आ जाएगा, उसको दबा दीजिएगा और ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। फायदा इसका यह होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। तो चलो वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं। किसी भी सर्च इंजन में आप सर्च कर दीजिएगा यूपी ट्रिपल एससी। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है यूपी ट्रिपल एससी, इस पे जैसे आप क्लिक करोगे तो जो ऑफिशियल साइट है upssc.gov.in, ये आपके सामने ओपन होके आ जाएगी। इसका डायरेक्ट लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। जब आप उस पर क्लिक करोगे सीधा इस पेज पे आप आ जाओगे। तो आज की डेट में आप देख सकते हो, आज हो गई 22 सितंबर, और 22 सितंबर में ही ये जो नोटिस है ये रिलीज किया गया है। तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा। ये जो नोटिस है इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। जब आप उस पर क्लिक करोगे तो सीधा इस नोटिस को आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, ऑनलाइन आवेदन स्लैश शुल्क जमा करना प्रारंभ होने की तिथि। तो जो फॉर्म ये स्टार्ट हो रहे हैं, जो आप ऑनलाइन फॉर्म जिस डेट से आप भर सकते हो, तो ये 17 अक्टूबर, 17 अक्टूबर से इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। और इसकी जो लास्ट डेट है सबमिट करने की, तो 6 नवंबर है, 6 नवंबर 2022 तक आप इसको सबमिट कर सकते हो। और पेमेंट करना चाहते हो तो पेमेंट भी 6 नवंबर 2022 तक पेमेंट भी आप सबमिट कर सकते हो, पेमेंट भी आप कर सकते हो इसकी। वहीं शुल्क समायोजन और आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि जो दी है वो 13 नवंबर तक दी है, ठीक है। तो इसमें आप नीचे की तरफ आओगे तो और भी जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें, अगर आपकी बैचलर डिग्री है मैथमेटिक्स में या बॉटनी में या केमिस्ट्री में, फिजिक्स में या जूलॉजी में, केमिस्ट्री या जियोलॉजी या एग्रीकल्चर या स्टेटिक्स, फिर एनवायरमेंटल साइंस टू और मोर देन सब्जेक्ट, फिर आप बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग हो तो तब भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। यानी कि आपके पास बैचलर डिग्री है इंजीनियरिंग में तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। आपके पास वेटरनरी साइंस जो है उसमें अगर बैचलर डिग्री है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पदों की बात करें तो इसमें टोटल 701 पद है। नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे आपको वैकेंसी दिख जाएगा कि कितने पद है इसमें। और यहाँ पे जो वो है यूपी ट्रिपल एससी, जो पैट आपने दिया था तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया जा रहा है। अगर आपने यूपी ट्रिपल एससी पैट 2021 वाला दिया था तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। लेकिन इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो इसमें जो रखा गया है, 0 है 0 से ऊपर अगर आपके मार्क्स है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो वैकेंसीज का, वन एवं वन्यजीव विभाग, वन दरोगा, और एज लिमिट यहाँ पे देख सकते हो। अनारक्षित जो है उसका कितना पद है, अनुसूचित जाति का इतना, अनुसूचित जनजाति का इतना, अन्य पिछड़ा वर्ग का इतना, और बाकी आरक्षित रूप से कमजोर वर्ग EWS के लिए 70 वैकेंसी, और कुल पद जो है 701 है। और ये जो अभिव्यक्ति है स्थायी अस्थायी है, ठीक है जी। उपयुक्त रक्तों के आवेदन करना होगा और बाकी का जो डिटेल आप देख सकते हो। और इसमें हाइट का भी क्राइटेरिया है यहाँ पे, अगर आप वो देख सकते हो। हाइट की बात करें तो हाइट का भी यहाँ पे नीचे की तरफ दिया हुआ होगा, तो नीचे देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो शारीरिक मानक परीक्षण एवं शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण। अब यहाँ पे आप देखोगे जो जेंडर, यहाँ पे पुरुष महिला जो हाइट है, मेल की जो हाइट है 163 सेंटीमीटर, वहीं जो वुमेन है उसकी 150 सेंटीमीटर, और सीने का जो पूरा फुलाने पर जो है 84 सेंटीमीटर। तो सीने सीने का घेरा पूरा फुलाने पर 84 सेंटीमीटर, और जो फैलाव है तो 5 सेंटीमीटर का फैलाव होना जरूरी है इसमें। और वहीं वो महिला के लिए भी दे रखा है तो इसमें 5 सेंटीमीटर फैलाव, और यहाँ पे वो देख सकते हो आप 79 सेंटीमीटर। परंतु ये नेपाली गढ़वाली, तो उसके लिए जो नेपाली गढ़वाली कुमाऊनी मूलवंश के अभ्यर्थियों के लिए भी हाइट का इसमें छूट दी गई है। उसके बाद यहाँ पे शारीरिक मानक नियम, पुरुष अभ्यर्थी से 4 घंटे की पूरी की जाने वाली 25 किलोमीटर की, और महिला अभ्यर्थी से 4 घंटे में पूरी की जाने वाली 14 किलोमीटर की पैदल चाल परीक्षण में अर्हता प्राप्त करने की
अपेक्षा की जाएगी। उपयुक्त नियम 13 के अधीन आयकारी परीक्षण संचालित किए जाने की व्यवस्था आयोग द्वारा की जाएगी। ठीक है जी। शारीरिक स्वास्थ्य नियम, किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और किसी ऐसे शारीरिक दोष से युक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्य की दक्षता का पूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो। किसी अभ्यर्थी को सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त के लिए अंतिम रूप से अनुमोदित किए जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जाएगी कि वह चिकित्सा परिषद के परीक्षण में सफल हो जाए। शारीरिक स्वास्थ्य नियम तो यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है जी। उसके बाद परीक्षा आयोजन एवं पाठ्यक्रम, आयोग द्वारा उक्त पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा की परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट तो ये upsc.gov.in पर पब्लिश कर दी जाएगी। उसके बाद लिखित परीक्षा के संबंध में विशेष नोट तो आप इसको पढ़ सकते हो। ठीक है जी। इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसको जो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा उस पर क्लिक करके सीधा आप पढ़ सकते हो इसको। तो उम्मीद है वीडियो आज की आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आज की आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कुछ भी आप पूछना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जुड़ना चाहते हो ऐसी जानकारी पाने के लिए इस चैनल से तो सब्सक्राइब इसको कर दीजिएगा। जैसे ही सब्सक्राइब इसको करोगे राइट साइड में घंटी के निशान आ जाएगा, उसको दबा दीजिएगा और ऑल क्लिक कर दीजिएगा। फायदा इसका ये होगा जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। और सोशल साइट पर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो अबाउट पर क्लिक कीजिएगा और इस पेज पर नीचे की तरफ आइएगा तो सोशल साइट के लिंक आप देख सकते हो। इन पर आप हमको फॉलो या ज्वाइन कर सकते हो। बाकी का यहाँ पे भी हमने लिंक ऐड कर रखे हैं तो इन पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम का प्लेलिस्ट की बात करें तो इन कैटेगरी से रिलेटेड वीडियो हम अपलोड करते हैं। UP SSC की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो तो 5 वीडियो हमने अपलोड कर रखी है तो UP SSC से रिलेटेड वीडियो हम अपलोड करते रहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।